दोस्तों वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द 100 वुमेन्स का मैच जो होगा साउदर्न ब्रेव्स वर्सेस वेल्श फायर्स वुमेन के बीच। ये मैच दोस्तों इंडियन टाइम होने वाला है 4 बजे दोपहर, और आज दो मैच है, दोनों मैच का कवरेज मिलेगा आपको दोस्तों। अदर्स जो भी मैचेस है आज ट्राई सीरीज वुमेन्स का चलेगा, उसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी लाइव थोड़ी देर में लाइव हो जाएगा, वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। और कुछ भी मैचेस आता है न्यू, स्पेशल मेरा टारगेट रहता है एसोसिएट्स के कवरेज, जैसे कि ECS और असम मेंस ओमेस सीरीज भी हमने कवर किया, मेंस भी अभी कवर कर रहे हैं, तो ऐसे डोमेस्टिक सीरीज भी आपको इस चैनल पे मिलेंगे। तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन करो और सिंपल ट्रेडिशनल एनालिसिस संपूर्ण देखो दोस्तों, इससे आपका रैंक बहुत बेटर होगा। अब तक ये सीरीज हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है। तो आते हैं इस मैच के एनालिसिस में। साउदर्न ब्रेव वर्सेस वेल्श फायर वुमेन के बीच होगा मैच दोस्तों। मैच इंडियन टाइम 4 बजे स्टार्ट होंगे, कहाँ पे होंगे, साउदहैम्पटन पे दोस्तों। ये मैच में ना साउदर्न ब्रेव दोस्तों ये तो निकल गए टूर्नामेंट से, बट वेल्श फायर के लिए ना ये मैच इम्पॉर्टेंट है। इनको ये अगर विन कर लेते हैं ना इस मैच में, ये टॉप में फिनिश करने वाले हैं दोस्तों इस टूर्नामेंट में, और ये डायरेक्ट फाइनल फिनाले खेलेंगे दोस्तों। बट समहाउ अगर ये हार जाते तो दोस्तों अदर्स जो टीम है ना उनके रिजल्ट के ऊपर भी टीम डिपेंड करेगा। तो ये तो चाहेंगे वेल्श फायर ये मैच विन करें। अब इस वेन्यू का अगर हम लोग बात करेंगे, एक बार 150 बना, एक बार बना 136, और एक बार बना इस वेन्यू में 155 बैट फर्स्ट करते हुए, और उनमें से दो बार चेस हुआ, इवन 150 भी चेस हुआ, सिर्फ 155 दोस्तों चेस नहीं हो पाया। तो ये वेन्यू में रन अच्छे खासे बनते हैं, और साउदर्न ब्रेव अब तक इस टूर्नामेंट में एक भी मैच इस वेन्यू में विन नहीं किया। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है। तो एवरेज स्कोर मैं आपके सामने 130 के जगह ना 150 बना लेता हूँ। 28 मैचेस में 13 बैट फर्स्ट, 12 बैट सेकंड, दो मैच टाई रहा है अब तक टूर्नामेंट में। साउदर्न ब्रेव लॉस्ट वन, फिर सभी मैचेस आ रहा है टाई लॉस्ट। डैनी वेट ओपन विद स्मृति मंदाना दोस्तों, फिर बुशेर, फिर जॉर्जिया एडम्स, क्लोई टायरन, फ्रेया कैम, डट्टानी होगा बैटिंग ऑर्डर। ये टीम से डैनी वेट अगर देखेंगे ना दोस्तों, बिग नेम है डैनी वेट। सीरीज में इन्होंने खेला भी अच्छा है, ऑनेस्ट बताऊँ इस टीम से सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है दोस्तों। 4 इनका बहुत अच्छा नॉक आया, 3 इनिंग्स इनका बहुत खराब आया। एज अ प्लेयर इनको बैक करेंगे। वेन्यू रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, 40 का वेरी डिसेंट। स्मृति मंदाना वेन्यू में 39 का एवरेज, सीजन में 142 जो बहुत अच्छा आया था लास्ट मैच में अटैकिंग, बाकी एक भी मैच में ये प्लेयर चली नहीं है अब तक। बुशेर अगर मैं देखूँ तो पूरा टूर्नामेंट इनको ऑफ रहा है, मैं आपको शुरू से बताया वन डाउन खेलेंगी तो उतना खास ऑप्शन ये रहती नहीं है। 28 का एवरेज, 17 इनिंग्स, 334 रन। इनको ना पावर प्ले चाहिए इनका, क्योंकि इनको हर बॉल लेग साइड में घुमाना है, सिंपल डिप मिडविकेट के हाथ में। ये अब देखोगे ना आफ्टर पावर प्ले जब बैटिंग करती है, देख के लगेगा कि आउट होने वाली है डिप मिडविकेट के हाथ में या लॉन्ग ऑन के हाथ में। जॉर्जिया एडम्स अगर देखते हैं दोस्तों, सीजन इनका सही बताऊं अच्छा नहीं रहा, बैटिंग से कभी भी ट्रस्टेड नहीं लगे। एज अ प्लेयर मैं मानता हूं कि इनको रख लो, क्योंकि फैंटेसी के रिस्पेक्ट में ना एक विकेट मिल रहा है इनको, कभी बैटिंग से 20-21 रन बनाएंगे, बट वो जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस होता है वो नहीं दिखेगा। 18 इनिंग्स में 22 विकेट, वेन्यू में 26 का एवरेज, 367 रन। क्लोई टायरन लास्ट मैच में बहुत अच्छा नॉक था 47 का, और एक विकेट भी निकाले थे, और ये कुछ हद तक बॉलिंग भी करते हुए दिखे सीरीज में, बॉलिंग या फिर बैटिंग कहीं ना कहीं से वैल्यू देंगे। मैच विनिंग परफॉर्मेंस आया नहीं इस वेन्यू में, 7 इनिंग्स, 104 रन, 18 ओवर, 4 विकेट। फ्रेया कैम अभी के लिए मैं इग्नोर करना प्रेफर करूंगा इनको, 15 इनिंग्स में वेन्यू में 150, 19 ओवर, 1 विकेट। डट्टानी इग्नोर करेंगे, रियाना साउथ भी इग्नोर करेंगे, लॉरेन बेल, फ्रेया कैम 5 से 10 बॉल डालती है तो ग्रैंड लीग में यूज़ करना है, SL पे नहीं। लॉरेन बेल ये स्टार प्लेयर है इस टीम से, बॉलिंग फर्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट मैच में 3 विकेट निकाला, लास्ट ओवर में जाके 3 विकेट, तो बॉल फर्स्ट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कम्पेयर टू बॉल सेकंड। वेन्यू में 19 इनिंग्स में 27 विकेट, क्या ही सुपर्ब रिकॉर्ड है इनका इस वेन्यू में। लॉरेंस शिटल अगर देखते हैं हम लोग, ये एक आधा विकेट इनको मिल रहा है, बॉल फर्स्ट ज़्यादा सही चॉइस है, डेथ में आते हैं 5 बॉल का सेट लेके। 3 इनिंग्स में वेन्यू में 9 ओवर, 2 विकेट। टिली कोटिन कोल्डमैन अगर बॉलिंग सेकेंड इनिंग्स में होता है इनको ज़रूर रख लो, इवन लॉरेन बेल को ड्रॉप करके इनको रख सकते हो। बॉल फर्स्ट में दोस्तों रोटेशन कर सकते हो, नॉट अ बैड चॉइस, ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे।
ओपनिंग बॉलिंग लॉरेन बेल, चिटल कोलमैन, डेथमैन फ्रैगम, लॉरेन बेल, जॉर्जे एडम्स, ये ओवर डिस्ट्रीब्यूशन देखो। चिटल 5 बॉल पीछे डालते हैं बट बहुत पीछे भी नहीं डालेंगे बेसिकली ना। इस टीम से लॉरेन बेल आपको डेथ करते हुए दिखेंगी अलोंग विद जॉर्जे एडम्स, ये दो आपको डेथ ऑप्शन है इस टीम से। क्लोई डैरन 5 बॉल का सेट पीछे डालने से भी डाल सकते हैं दोस्तों, अदरवाइज जॉर्जे एडम्स लॉरेन बेल दोस्तों आइडियल डेथ ऑप्शन रहेंगी इस टीम से। फ्रैगम्स मिडल ओवर लास्ट मैच में 86-90 5 बॉल का सेट डाला था इन्होंने पीछे, लास्ट मैच में कोलमैन को बहुत रन पड़ गया था तो इसके लिए कट हो गया था ओवर और कैंप पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कैंप एंड ट्रायन पे। चार्ली नॉट अवेलेबल नहीं है, सोफी लोफ इग्नोर करेंगे यहाँ से प्लेयर्स को। प्लेयर्स बैटल में देखते हैं, डैनी वेट 2 बार जॉर्जिया डेविस से आउट हुआ है दोस्तों, 26 में 39 रन, 5 बार चेस जोनसन आउट किया, रन भी बनाया 88 में 134, ये ना अच्छी खेलती है ऑफ साइड में, तो ऑफ साइड में बॉल गिरा तो दोस्तों अच्छे शॉट्स लगा लेती है। ग्रिफिथ 9 बॉल 16 रन पे एक बार आउट किया, डेविस 30 बॉल में 66, बहुत अच्छा खेला डेविस को इन्होंने। स्माइल ने 69 रन सिर्फ कंसीड किया, तो स्माइल से दिक्कत होता है डैनी वेट का, स्माइल कमबैक कर लिया लास्ट मैच में। बुशेर अगर देखते हो, एक बार लैंगस्टन ने आउट किया, एक बार जोनसन ने आउट किया, एक बार एलेक्स ग्रिफिथ ने आउट किया दोस्तों, एक बार हेली ने आउट किया, ज़्यादा नहीं है मैचअप बट यस इनको आफ्टर पावर प्ले मुझे ट्रस्टेड नहीं लगती है। स्मृति मंदाना छोड़ नहीं सकते, डेविस ने 3 बार आउट किया 56 में 73 और 59 में 86, 3 बार आउट किया जोनसन ने। स्माइल को 97 में 128 अच्छा खेला है इन्होंने कंपेयर टू एनी अदर्स। क्लोई टायरन 4 बार जोनसन ने आउट किया, रन 28 में 38, थोड़े से अटैकिंग तो खेले, डेथ ओवर में दोनों आमने सामने होंगे। हेली से दिक्कत होता है सबसे ज़्यादा, 29 में सिर्फ 26 रन, 3 बार आउट, एक बार जॉर्जिया डेविस। अब आते हैं वेल्श फायर, उससे पहले लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और जुड़ना है टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक एडिट होंगे। वेल्श फायर बहुत अच्छा सीजन गया, डंकले अलोंग विद दोस्तों टैमी ब्यूमोन, हेली मैथ्यूज, सारा ब्राइस, जेस सोनासन, ऐसा होगा बैटिंग ऑर्डर। ये टीम से अगर देखते हैं ना तो सोफिया डंकले इन्होंने स्टार्ट निकाला है बट कन्वर्शन इनका सिर्फ एक मैच में दिखा है 69 का, बाकी एक भी मैच में ये कन्वर्शन नहीं दिखा, 80 का एवरेज है वेन्यू में, क्या ही रिकॉर्ड है इनका। टैमी ब्यूमोंट 2 नॉक अच्छा आया 31 और 34 बट स्टिल बहुत बड़ा नहीं आया इनका, तो ये मस्ट बी प्लेयर नहीं रहेंगी, विकी में ट्राई करना है तो बिकॉज ये विकी है इसलिए लेना है, अदरवाइज प्लेयर कुछ खास किया नहीं है। हेली मैथ्यूज स्टार ऑप्शन, देखो एक बार टच में आ गया ना 3 विकेट 3 विकेट, अभी ना इनका बॉल में लूप दिखेगा आपको, इनके बॉल में दोस्तों लूप दिखेंगे और ड्रिफ्ट दिखेगा जो स्पिनर के बॉल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्पिनर कितना टर्न करा रहा है उससे भी ज़्यादा मैं मानता हूँ, स्पिनर के बॉल में अगर ड्रिफ्ट और लूप दिख रहा है तो दोस्तों वो स्पिनर टच में है, वो स्पिनर कन्फिडेंट है अपने बॉलिंग में, तो हेली मैथ्यूज से अब दिखेगा तो मुझे लगता है ये डिफॉल्ट कैप्टन बन चुकी है अभी। 2 इनिंग 7 ओवर 3 विकेट 83 रन। सारा प्राइस बहुत अच्छी प्लेयर है दोस्तों बट ऑनेस्ट बताऊँ किस लेवल में थोड़े से स्लो हो जाती है, एक नॉक मैच विनिंग था 51 का, बाकी मैचेस में उतना खास नहीं है बट ये विकी करेंगी, जो 20 रन प्लस विकी से 20 पॉइंट भी अगर आ जाता है तो 40 पॉइंट, क्योंकि देखो इनके पास जेस जोनसन है डेथ में करती है स्पिनर, हेली मैथ्यूज है जो दोस्तों आपको करते हुए दिखेंगी पूरा 4 सेट, तो यहाँ पे ना स्पिन से ये विकेट कीपिंग से एक आधा स्टंपिंग आ सकता है इनका। 4 इनिंग्स वेन्यू में 23 रन अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। जेस क्या ही स्टार प्लेयर है, बैटिंग या फिर बॉलिंग हर मैच में इनका वैल्यू है, हर मैच में ईच मैचेस में मेरे हिसाब से बहुत सेफ कैप भी सी है अलोंग विथ हेली मैथ्यूज। जॉर्जिया एलिस इग्नोर करेंगे, लास्ट मैच में 10 रन का नॉक खेला उससे पहले 18, वेन्यू में 10 इनिंग्स 20 ओवर 3 विकेट 193 रन 39 का एवरेज से। फीबी फ्रैंकलिन ऐसा कुछ रिकॉर्ड इग्नोर करते हैं। फ्रेया डेविस 20 बॉल में 2 विकेट है, 15 बॉल में 2 विकेट है, 20 बॉल में 1, 20 में 2, 15 में 0, 10 में 1, यार ठीक ठाक परफॉर्मेंस है इनका, अगर बॉल फर्स्ट होता है तो ले लेना, ऐसे भी ये टीम स्लाइटली स्ट्रॉन्गर है तो सेकेंड इनिंग्स में भी इनका रोल रहेगा बट बॉल फर्स्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पीछे डाल दिए डेथ में। बेथ लैंग और ये मैच इनके लिए इंपॉर्टेंट है तो बॉल फर्स्ट ये ज़्यादा जोर भी लगाएंगे। बेथ लैंगस्टन 10 बॉल डालती है, जॉर्जिया डेविस डिफेंशियल ले सकते हो। देखो एक चीज़ ऑनेस्ट बताओ, देखो 2 3 1 1 1 बहुत सेफ है, हर मैच में इन्होंने विकेट निकाला तो रख लो इनको। शबनम स्माइल पब्लिक ऐसे प्लेयर्स बड़े नाम के पीछे जाते हैं बट यार हर मैच में वैल्यू दिया जॉर्जिया डेविस ने, कीप इट इन माइंड। ओपनिंग बॉलिंग फ्रेया डेविस, लैंगस्टन, शबनम स्माइल, डेथ में जेस जोनसन, फ्रेया डेविस, स्माइल, ये ओवर डिस्ट्रीब्यूशन में देखो। फ्रेया 96-100 ये इंपॉर्टेंट हो जाती है डेथ में करते हुए। शबनम स्माइल ये भी 5 सेट डाल सकती है डेथ में। जेस जोनसन आइडियल डेथ ऑप्शन है, 86-90 लास्ट मैच में डाला बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बॉल सेकेंड हुआ तो और इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बॉल फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, डेथ में आना चाहिए इनको। 86-90 किया था
जॉर्जिया डेविस बेसिकली मिडल ओवर, लास्ट मैच में ओवर कट हुए थे हेली मैथ्यूज। देखो अब क्या हो गया ना, देखो फ्रेया ओवर कंप्लीट कर रही है, जोनासन करेंगी जरूर से, हेली अब टच में आ गई तो ओवर कंप्लीट करेंगी, तो और ये हो गया शबनम इस्माइल। तो ये चार ऑप्शन, ये एक शबनम, जेस जोनासन, हेली मैथ्यूज, फ्रेया। अब यहाँ पे आ रहा है दोस्तों पूरा चार सेट। अब पांचवा बॉलिंग ऑप्शन ना थोड़े बहुत लैंगस्टन और डेविस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए डेविस का ओवर कट हो रहा है, बट डेविस बहुत अच्छा बॉलिंग डाला है इस सीरीज में। अब हेली मैथ्यूज जितना टच में आ रहे हैं ना उतना डेविस का रोल रिड्यूस हो रहा है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे कुछ बेंच में प्लेयर बैठे हुए। अब आते हैं इनके ओपोनेंट हक की तरफ, डंकली अगर देखते हो दो बार चली नॉट बट अवेलेबल नहीं है, एक बार जॉर्ज एडम्स ने आउट किया ना 43। लॉरेन बिल को बहुत अच्छा खेला इन्होंने, दो बार आउट हुआ चेटल के अगेंस्ट, तो चेटल से दिक्कत होता है इनको। ट्राइन से एक बार आउट हुआ है 16 में 20। टैमी ब्यूमॉन्ट अगर देखते हो तो चली नॉट एक बार, दो बार जॉर्ज एडम्स ने आउट किया 27 में 29, दो बार लॉरेन बिल ने आउट किया 41 में 37, रन नहीं आया। टिली कॉटन एक बार आउट किया और मैरी टेलर एक बार। हेली मैथ्यूज दो बार आउट किया है जॉर्ज एडम्स ने और दो बार चली नॉट अवेलेबल नहीं है। लॉरेन बेल ने एक बार आउट किया 28 में 34 रन देते हुए। टिली कोटिन ने एक बॉल में एक बार आउट कर चुके हैं दोस्तों ऑलरेडी। चीटल ने एक बार आउट किया, ऑनेस्ट बताऊँ चीटल को ज़्यादा दिक्कत हो रहा है कंपेयर टू लॉरेन बेल टीम से खेलना। यहाँ पे हेड टू हेड में आते हैं, 84 पे ऑल आउट हो गया साउथन ब्रेव, एडम 17, वेट 14, फ्रैगम 11, लॉरेन चीटल 2 विकेट, टिली कोटिन 1 विकेट। सेकेंड इनिंग्स में वेल्स फायर इजी चेस कर गया। टैमी ब्यूमॉन्ट 34, थोड़ा सा स्लो से चेज किया क्योंकि टैमी ब्यूमॉन्ट ने 34 बनाया तो डेफिनेटली रन स्कोर स्लो हो जाएगा। बेस्ट बॉलर हेली मैथ्यूज 3, फ्रेया डेविस, जेस जोनासन 2 विकेट एच, बॉल फर्स्ट थे दोस्तों बेथ लैंगस्टन, जॉर्जिया डेविस 1 विकेट। अब फटाफट चलते हैं ड्रीम 11 टीम में, लाइक नहीं किया तो लाइक करो, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो और ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगे। फिलहाल दोस्तों जो मेरा टीम रहेगा, मैंने विकी सेक्शन से देखो ऑनेस्ट बताऊं टैमी और सैरा ब्राइस से क्वालिटी वाइज बैटिंग वाइज टैमी बेटर है, बट सैरा ब्राइस विकी से एक आपको क्वेश्चन दे जाते हैं और इन्होंने रन भी बनाया सीरीज में। और डैनी वेट हमारे पास, स्मृति मंधाना, बुशेन नहीं लूँगा, डंकली सेफ ऑप्शन है हमारे पास बट टच में नहीं है दोस्तों। स्मृति एक नॉक अच्छा खेला, छोड़ नहीं सकते यही बात है। हेली मैथ्यूज, जेस जोनासन, क्लोई टायरन, जॉर्ज एडम्स ये ऑप्शन में आएंगे। एलिस नहीं लूँगा, कैम नहीं लूँगा, यहाँ से हम लोग बेल नाम भरा है, काम कुछ नहीं है। बेल और चिटल का ना नाम भरा है बट काम इन्होंने नहीं किया। फ्रेया डेविस देखो सबसे अच्छा खेला है जॉर्जिया डेविस, हर मैच में विकेट निकाला, फिलहाल नहीं ले सकते क्योंकि देखो हमने ऑलरेडी हेली मैथ्यूज जो अभी बॉलिंग जितना ज़्यादा डालेंगी ऑफ स्पिनर है, डेविस का ओवर कट हो रहा है क्योंकि वो भी ऑफ स्पिनर ही है। कैप्टन में हेली मैथ्यूज बनाता हूँ, वाइस कैप्टन जोनासन, फिलहाल ये रहेगा टीम। कुछ भी अपडेट आता है ना इस मैच का, डिफेंशियल कैप भी से यूज़ करना है तो बॉल फर्स्ट यूज़ कर सकते हो स्पेशली एडम्स को, ठीक है अपडेट। और हाँ इनको भी यूज़ कर सकते हो वीसी कैप भी से। कुछ भी अपडेट आएगा नेक्स्ट मैच के कवरेज के साथ, मिलते हैं मैच टाइम पे टेलीग्राम पे। थैंक यू दोस्तों।